चलो बेटा सो पियो। हातिम भाई, आसिम भाई, कोई नहीं आया पूछने के लिए? फोन तो किया ही होगा ना? छोड़ो उन्हें। कैसे छोड़ दूं? वो तो मेरी छोटी छोटी सी तकलीफ पे तड़प उठते थे, और आज मैं इस हाल में हूं, उन्होंने पूछा ही नहीं मेरा। रिदा, रिदा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि तुम किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लोगी। आखिर मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया, मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत, मेरे भाई, मेरा घर, शौक, सब कुछ सब मुझसे दूर जाते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरी आंखों से सब ओझल हो जाएंगे और मैं तन तनहा रह जाऊंगी। तुम ऐसे क्यों सोचती हो? अगर परवरदिगार कुछ लेता है ना, तो उससे बढ़कर अता भी करता है। मेरे फाहम भाई आ जाएंगे वापस, और दिशान फाहम तो अब नहीं, लेकिन लेकिन रिदा बाकी लोग तुमसे दोबारा जरूर मिलेंगे। और जिशा, अरे देखो, मैंने तुम्हारी माँ जी को फोन करके तो बताया ही नहीं कि तुम हॉस्पिटल में हो। मैं अभी फोन करती हूँ। कोई जरूरत नहीं माँ, जिस बच्चे के वजूद को उसका बाप मशकूक करार देते हैं, उसे जान के क्या फर्क पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। उन्हें कोई इतला नहीं देंगी। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है।